सबसे पहले जरूरी बात है कि हमें जो भूमि का चुनाव है, ऐसी भूमि का चुनाव करें नर्सरी के लिए जो कि मिट्टी हमारी उपजाऊ हो और उसमें जल निकास की व्यवस्था हो और साथ ही उसकी जो जल धारण क्षमता है बहुत अधिक हो और साथ ही पानी का स्रोत उसके पास होना चाहिए, क्योंकि आसानी से नर्सरी में दूसरे तीसरे दिन पानी लगता है, तो अगर पानी के स्रोत के पास होगी तो वो काफ़ी सहूलियत होगी उसमें। इसके अलावा जो हमारा खेत होता है उसकी तैयारी कई तरीके से हम करते हैं। एक तो सूखी विधि आती है, शुष्क विधि, जिसमें सूखे खेत में जुताई करके और हम ये धान का बीज बो देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है नर्सरी तैयार करने की, वो है गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि में हम खेत में जो है खड़ा पानी कर देते हैं और उसके बाद उसमें दो तीन बार जुताई कर देते हैं हल के द्वारा, और फिर बाद में पाटा लगा के खेत को समतल कर लेते हैं। अब जो ये खेत है हमारा, इसको छोटी छोटी क्यारियों में हम बांटते हैं। क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच रखते हैं और लंबाई सुविधा अनुसार 5 मीटर 6 मीटर हम इसकी रख सकते हैं। कुल मिला के नर्सरी जो हमारी है, 1 हेक्टर में अगर हमें लगाना है धान, तो उसके लिए हमें करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी उगानी होगी। और जहाँ तक बीज दर की बात है, तो जो महीन किस्में हैं उनका बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर है और जो मोटे धान वाली किस्म है उनका 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। और जो किसान भाई संकर लगा रहे हैं, संकर धान का बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। 5 मीटर 6 मीटर हम इसकी रख सकते हैं। कुल मिला के नर्सरी जो हमारी है, 1 हेक्टर में अगर हमें लगाना है धान, तो उसके लिए हमें करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी उगानी होगी। और जहाँ तक बीज दर की बात है, तो जो महीन किस्में हैं उनका बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर है और जो मोटे धान वाली किस्म है उनका 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। और जो किसान भाई संकर लगा रहे हैं, संकर धान का बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर है।